साइलेंस मैसेज भी अभी तक नहीं दिया गया है। और इनफेक्ट जो यहाँ का जो कमीशन का जो फॉर्मर मेंबर है वो लोग मोपिन मना रहे हैं, टेक दे रहा है सोशल मीडिया। एटलीस्ट आपका कोलिग्स था, कंडोलेंस मैसेज तो आप लोग दे सकता है ना। और अभी जो कमीशन में बैठा हुआ है वो लोग भी नहीं दे रहे। यहाँ से साफ पता चलता है कि तुम्हें गंगा को यहाँ पे साइडलाइन करने का कोशिश किया गया है। हम लोग का जो दीमान है, स्पेशल नालेन बोय दीमान हो गया, मुदंग याबेंग का केस हो गया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जिस वजह से फिर अपडेट करना है वो भी नहीं हुआ। लाइकवाइज अंदर में बहुत सारा है, और जो एक जो जिस वजह से एक रिड्रेसल करना चाहता वो किया नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोग का यहाँ तुमेगंग का सार का जो मर्डर केस है, इसको भी एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो एक पुलिस का तरफ से दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट जो 18 फरवरी में जो हम लोग को रिटर्न एश्योरेंस दिया गया था, उसको वी बींग इंटेलेक्चुअल हम लोग एटलीस्ट एक हाइस्ट लेवल ऑफ चेयर से हम लोग को जब रिटर्न एश्योरेंस इतना पब्लिक का सामने में दिया है, हम लोग सोचा है कि फुलफिलमेंट होगा। लेकिन हमको लगता है कि ये हम लोग का धोखा दिया गया है हम लोग को, इसलिए हम लोग अभी ऐसे निर्णय ले रहा है कि एज पर आवर लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन समिति टू द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑन 10th of this month हम लोग बोला है कि ये 18 तारीख तक 18 तक हम लोग का जितना जो डिमांड्स है उसमें हम लोग पूरा एलोबरेट करके हम लोग लिखा है 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में आप कहाँ कहाँ लेप्सेस हुआ और हम लोग का ऑब्जर्वेशन कहाँ है, वे पोवर किस लिए किया जाना चाहिए। ये जो जितना हम लोग का 13 पॉइंट डिमांड सब हम लोग यहाँ नहीं बोल पाएगा, उसमें हम लोग पार नर्चल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी पेज में हम पूरा दे दिया है। कोई भी यहाँ पे जो पढ़ सकता है उसमें प्लीज़ आप लोग विजिट कीजिएगा। वो हम लोग का एक एटलीस्ट हम लोग ये होमवर्क करके ही डाला गया है, क्योंकि ये पॉइंट को नालेन बोइद हो गया जो भी डिमांड है हम लोग स्टडी करके डाला गया है। इसका रिपरकेशन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, हम लोग पूरा एनालाइज करके दिया गया। इसलिए हमको लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक दिल से काम किया नहीं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 18 तारीख तक अगर गवर्नमेंट हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करता है, फुलफिल करता है बोलने से भी जो तुमेगंग केस का भी हम लोग इंक्लूड किया, इसलिए हम लोग ये जो हम लोग का जो कंसेप्ट है पार अरुणाचल ज्वाइन स्टेयरिंग कमेटी का जो कंसेप्ट है, ये अभी हम लोग पूरा अरुणाचल में पान अरुणाचल में इंटर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मूवमेंट जो रैली कंडक्ट कराएगा, अवेयरनेस क्रिएट कराएगा कि ये मुद्दा कहाँ तक हम लोग का यहाँ पर रिपरकेशन हो सकता है फ्यूचर जनरेशन को। और स्पेशली 20th of this month हम लोग आलो में पास हम लोग एक रैली कंडक्ट मैसिव रैली कंडक्ट करेगा। और हम लोग यहाँ पे रैली कंडक्ट नहीं करने से पहले हम लोग तुमेगंग का जो केस है, ले तुमेगंग सार का जो मर्डर केस है, उसको भी हम लोग सपोर्ट में लेते हुए और उसका पेरेंट्स को भी सपोर्ट में लेते हुए, उसका जो फैमिली मेंबर्स है उसको भी हम लोग साथ में लेते हुए, और उसके बाद में जो मर्डर केस को लीड कर रहा है जो गालो वेलफेयर सोसाइटी करगू कर्दी जो सोसाइटी है जो ओलू का सीवियोस है, उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करके हम लोग 20th में हम लोग ये फर्स्ट जो मैसिव रैली हम लोग रखेगा। और हम लोग ये जो अंडर द बैनर ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी ये जो मूवमेंट को हम लोग चेहरेगा। एंड उसके बाद में हम लोग पूरा इंटायर अरुणाचल जहाँ जहाँ कोई लगता है कि पेरेंट्स एस्पेरेंट्स वेल वेसर रैली कंडक्ट कराएगा हम लोग को सपोर्ट के लिए, उसमें हम लोग का एक पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी का इंटायर डिस्ट्रिक्ट टीम बनाएगा, गठन करेगा, उस वजह से हम लोग मूवमेंट को चेहरते हुए उसके बाद में लास्ट में हम लोग कैपिटल में हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट हम लोग यहाँ हित करेगा, हम लोग भी यहाँ एक मूवमेंट जो रैली हम लोग मैसिव रैली हम लोग का यहाँ रखा जाएगा। उस वजह से हम लोग चाहता है कि जितना भी हम लोग का यहाँ का जनता है, पेरेंट्स है, एस्पेरेंट है, वेल विशर्स है, जो हम लोग को चंदा देता है घर पे बैठ के हम लोग को आशा करके हम लोग को मूवमेंट को किस वजह से आगे लेके जाना चाहता है, आप लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ आप लोग बैठता है बैठिए, उसमें आप लोग भी यहाँ पे पार्ट लीजिए। तो चीफ पुरु तदक नालो पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी को सिर्फ यहाँ पे डिपेंड मत कीजिए, बस वही है कि हम लोग जो भी बात करेगा जैसे भी रैली करेगा हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स को अपनाएगा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट को हम लोग अननेसेसरी यहाँ पे टोंटिंग नहीं करना है, यहाँ पे बल्गर वर्ड यूज नहीं करना, किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना है, बस वही है। तो इसलिए जितना भी जनता है आप लोग उसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। इस बार आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये प्यास्को में अगर हम लोग को सिस्टम को हम लोग नहीं सुधर पाए, कभी ये नहीं सुधरे। और आप लोग को ये मैं बता दो, आने वाला कल में जिस वजह से CBI लोग ये चार्जशीट फाइल कर रहा है, मिनोती बोरंग भी वापस आ सकता है। तो हम लोग का ये 8 महीना का जितना हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, कोई स्टूडेंट यूनियन, कोई CBOs, कोई NGOs 8 महीना तक ये मूवमेंट को अभी तक हम लोग जैसे PAJC लोग जैसे लेके आए कभी तक किया नहीं, अभी तक किया नहीं, और हम लोग और आगे लेके जाएगा यहाँ पे। सर,
सर कल एक सीएम के साथ में हम एक इंटरव्यू किया था, वहाँ में सीएम ने बोला था कि ये जो सीबीआई का जो ऑफिस अभी गुवाहाटी में है उसका हम यहाँ विजिट करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीएम जो बोला कि वो रेकमेंड करेगा, तो उसको ये वहाँ में है और यहाँ में अभी आप यहाँ तक लेके नहीं आया, आप लोग का तरफ से जो कुछ जो गवर्नमेंट को जो आप लोग मेमोरियल दिया था उसका आइडिया ही नहीं है उसको, वो बोला कि उसको आइडिया नहीं था, तो अभी वो जो रिकमेंड करेगा उसके ऊपर में आप हम लोग तो देखिए पहले से हम लोग बोला है कि वो जो सीबीआई का जो टेम्प्रेरी ऑफिस है वो जो एक जो ओलू का जो मिनिस्टर एक वो है क्वार्टर्स है उसमें सिर्फ वो सिविलियन एरिया से, हम लोग इसको पहले से बोला है कि उसमें एक जो ये प्रोटेक्शन देना चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भी, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, वो भी नहीं है, खुला आसमान में उसमें ऑफिस बिता है, इसको भी हम लोग पहले बोला है। इनफैक्ट सीबीआई यहाँ से पहले से आके बैठा है, ऑफिसर भी कम था, चलो अभी 6 महीना का बाद में अगर सीएम जगह है तो वेल एंड गुड, बेहतर ले देन नेवर, यहाँ से पता चलता है कि इस इशू में सीएम का क्या स्थान है। आप लोग पब्लिक लोग देख लीजिए 6 महीना तक पता नहीं कि सीबीआई कहाँ पे बैठा हुआ है, उसमें क्या प्रोटेक्शन दिया है, एक सीएम ऐसे बात करे। और हम लोग स्पेशली जो ईडी को हम लोग बोला था कि ईडी जो आप लोग व्हिसल ब्लोअर है और उसके बाद में ये जहाँ जितना हम लोग का कंप्लेनेंट है इस इशू का उसको आप सीबीआई में बुला रहा है, सॉरी गुवाहाटी में बुला रहा है, वो भी समन कर रहा है उसमें, और उसमें बोलता है कि नहीं आने से फिर आपको एज पर प्रोविजन आपको ये करेगा, अरेस्ट करेगा, क्या करेगा बोल के। तो ये सब चीज़ आप देखिए, तुम्ही गंकक सर यहाँ से जाके चिंपू में अगर वो गायब होकर मर्डर उसको किया जा सकता है, इसको भी एक्चुअली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देखना चाहिए और हम लोग इसको भी पहल किया है। और ये हम पुलिस का जो ब्रीफिंग दिया था वो समय को जो तुम्ही गंगा के बारे में जो ब्रीफिंग दिया था उसका क्या क्या हुआ है वो समय का, उसके बाद और गालू वेलफेयर सर्विस की तरफ से हम लोग को जो मिला है और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन जो था उसमें अभी देखा जाए तो टाइम फ्रेम लोग मैच नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर अभी कौन सा टाइम फ्रेम हो रहा है, मतलब वहाँ जब कांग्रेस ऑफिस के बाहर में रुका है बोला या फिर रांची ऑफिस से वहाँ से स्पोर्ट तक का जो टाइम फ्रेम है, गालू वेलफेयर सर्विस लोग अलग है, पुलिस लोग अलग है और हम लोग जो इन्वेस्टिगेट किया वो अलग है। इसमें तो देखिए यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, आई थिंक यू आर स्पीकिंग अबाउट द टाइम दैट वॉज मेंटेन बाई दैट पर्टिकुलर सीसीटीवी फुटेज ना, क्योंकि वो वेरिएशन हो सकता है एज पर माई नॉलेज, लेकिन इसमें हम लोग इतना अंदर तक गया नहीं, लेकिन भी यहाँ पे हम लोग तो ऐसे मानता है कि ये तुम्ही गंकक सर का जो मर्डर केस है यहाँ पे 2017 का इशू से ही APPSC जो कंबाइन सिविल सर्विस है यहाँ से जिस उस एग्ज़ाम को इंट्रोगेशन करने के लिए बुलाया था, और जब तक ये ऑफिसर लोग को नहीं पकड़ेगा जो इन्वॉल्व है, और क्योंकि ये जो ऑफिसर DSP जो बैठा हुआ होगा जो पोर्च सिग्नेचर करके एवुलेटर का पोर्च सिग्नेचर करके ये बैठा हुआ है सिस्टम में बैठा हुआ है, तो इसको नहीं पकड़ने से ओब्वियसली कल को हम लोग को भी हमला हो सकता है, किसी भी पोटेंशियल विटनेस को और भी हमला हो सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस वजह से ये एक जो इतना जो ऑफिसर मरा है, चलो वो मर्डर हुआ ना वो क्या, कंडोलेंस मैसेज भी अभी तक नहीं दिया गया है, और इनफैक्ट जो यहाँ का जो कमीशन का जो फॉर्मर मेंबर है वो लोग मोपिन मना रहे हैं, टेक दे रहा है सोशल मीडिया, एटलीस्ट आपका कोलिग्स था कंडोलेंस मैसेज तो आप लोग दे सकता है ना, और अभी जो कमीशन में बैठा हुआ है वो लोग भी नहीं दे रहे। यहाँ से साफ पता चलता है कि तुम्ही गंका को यहाँ पे साइडलाइन करने का कोशिश किया गया है। देखिए मूवमेंट ऐसे होता है, हम पहले से बोला है कि हम लोग जो जिस वजह से हम लोग मूवमेंट को लेके आया है कभी हम लोग दायदान नहीं हुआ, हम लोग मेच्योरिटी का साथ सेंसिटिविटी को हम लोग मेंटेन करते हुए है कि नहीं, हम लोग 7-8 महीना हो गया अभी तक लाया है, कभी हम लोग पत्थर नहीं उताया, और जितना भी एस्पिरेंट और जनता को भी हम लोग ये अपील करता है कि अपसू या आंसू किसी को भी ट्रोल नहीं करें, प्रोवाइडेड वो हम लोग का स्टैंड से बाहर जाए और हम लोग का किला बोले। और यहाँ आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग का स्टैंड सिलेक्टिव हो रहा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, आप हमको बताइए कौन सा स्टैंड में हम लोग सिलेक्टिव हो रहा है। इनफैक्ट अभी भी हम लोग 13 पॉइंट ऑफ डिमांड पे स्टिक है, अगर ये 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को छोड़ के अभी हम बोलेगा कि सीएम को गिराना है, किरण रिजिजू को गिराना है, नो वेयर प्रॉब्लम अब व्हाट कॉल पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी, ये सब कभी हम लोग बात नहीं किया, अभी भी हम लोग 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में ही है। इनफैक्ट 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का अलावा जो हम लोग लास्ट टाइम में 10 अप्रैल इस महीना में सीएम को हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखा है, एनालाइज करके पूरा ओवरव्यू 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को कहाँ पे फुलफिलमेंट हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ और किस वजह से करना चाहिए पब्लिक डोमेन में हम लोग रखा है, कभी हम लोग यहाँ पे ये छुपाने का हम लोग कोशिश नहीं किया, हम लोग ओपन जितना हो सके रखा, माइनस ऑफ मीटिंग को हम लोग ओपन रखा है कि नहीं। इनफैक्ट वो जो डिमांड में अभी हम लोग बोल रहे हैं कि 2014 से लेके 2022 तक का जितना भी ऑफिसर्स यहाँ पे आया गया उसको आप 100 नोटिस चीफ सेक्रेटरी सर आप इशू कीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट कॉल थ्रेटनिंग व्हाट कॉल हमको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएगा बोल के
कोई ऑफिसर यहाँ पे ऑफिशियल्स यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग नहीं देना, ये नहीं देना। आपको सबका ऑफिसर को पहले पकड़ के देखिए, यहाँ पे क्या तचिव पुरु को ये APPSC इशू को उतारा है, बोल के यहाँ धमकी दे रहा है क्या? आप क्या करना चाहता, 6 महीना से पहले ये जो जितना भी 14 से लेके 22 ऑफिसर 22 तक का जो अपॉइंटेड ऑफिसर थ्रू APPSC कमीशन से आया, आप सो कुछ नोटिस पहले इशू करता तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अभी जिस वजह से टाइम टेकिंग ले रहा है, 2-4 महीना का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग उसी जगह पे है, आगे बढ़ा ही नहीं, उसी को हम लोग को जेरोस कर करके दे रहा है। तो ये सब आप करना चाहता, ऐसे नहीं करके ये गवर्नमेंट जो क्या कर रहा है, हम लोग को ऐसे नोशन दे रहा है कि तुम्ही गंगा का ये हाल हुआ, कल को तचीपुर तदक नालों का भी ये हाल हो सकता है। इसलिए हम लोग बोला है कि हम लोग का प्रोटेक्शन को बढ़ाया जाए, इसको भी करता नहीं। फिर हम लोग को गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसको भी होम मिनिस्टर रुका के रखा है, पहल बढ़ता नहीं। तो जो हम लोग का नल एंड वॉइड इशू को भी जब CM एश्योरेंस देता है, उसका बाद फिर ये लोग और एक टीम गठन करके एंटी नल एंड वॉइड पेरेंट्स को ये लोग फाइनेंस करके फिर हम लोग को धमकी देने देता है। तो आप सोच के देखिए, हम लोग 7-8 महीना में हुई कुछ बेयरली व्हाट कॉल ट्राइंग टू व्हाट कॉल रिच व्हाट कॉल CM ओनली 2 टाइम्स, लेकिन ये जो ऑफिसर है 18 का बाद में 1921 को कैसे करके वो CM को मिलने के फैसिलिटेट कौन किया? ये हाई प्रोफाइल मीटिंग आप लोग कैसे रखा? अभी CM आप बताना पड़ेगा। तो आप इतना जल्दी वो लोग को मिल लेता है, हम लोग जो डिप्राइव एक्सपीरियंस यहाँ पे 6-7 महीना से यहाँ पे बैठा हुआ है, आप उसको मिलने के लिए समय नहीं मिलता है। तो सर आप ये आलो भी आप जो आप लोग का वो रैली करने वाला है ना, पीसफुल रैली करने वाला है, यस, तो आपको लास्ट टाइम भी बोला था पीसफुल रैली करेगा था ना, हाँ, लेकिन कुछ हो गया था प्रॉब्लम वॉडम थोड़ा बैलेंस नहीं, तो आप गारंटी कर सकते हैं दे सकते हैं? नहीं नहीं, हम लोग कहाँ पे बैलेंस किया नहीं मालूम, कुछ हम लोग जितना भी किया हम लोग पीसफुल रैली किया। इनफैक्ट जो लास्ट टाइम का रैली था बार अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी का तरफ से, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिया और हम लोग को SP ने हम लोग को NOC दिया गया है, वो हम लोग का 16 तारीख का 5 बजे ख़त्म होता है। एंड आफ्टर डेट जो जितना भी पेरेंट्स है यहाँ का, जितना भी सोसाइटी, जितना भी यहाँ पॉपुलेशन है, उन लोगों ने निर्णय किया है कि बंद को करना चाहिए। हमने किया नहीं, और जितना भी हम लोग किया है पीसफुली हुआ, और आलो में भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि पीसफुली होना है।